अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हैदर अली और आप देख रहे हैं। तो आज मेरे साथ बच्चा पार्टी भी मौजूद है। तो दोस्तों, आपने कल की वीडियो देखी होगी कि उसमें डव और फिंच ने अंडे दिए थे। जब मैंने भी ये वीडियो देखी मैं तो हैरान हो गया, मैं इतना खुश हो गया। मैंने कहा इनको हमने जब परचेज किया था थोड़े ही दिन हुए थे, इन्होंने अंडे दे दिए। तो दोस्तों, जब मेरे चाचू ने एक बात बोली थी, मुझे अभी याद आई, मेरे चाचू ने बोला था कि जब तुम बर्थ रूम में जाओ डव और फिंचेस को देखना कि उन्होंने नेस्टिंग मटेरियल उठाया या नहीं। तो दोस्तों चलते हैं, अभी हम देखते हैं अपने। तो इन्होंने तो माशाल्लाह से सारा उठा लिया, मतलब हम इनको डालेंगे। और इधर हमारे जो डव आते हैं, नहीं भाई, इन्होंने नहीं उठाया, मतलब उठाया है इतना बहुत नहीं उठाया। तो सबर मैं देख लूँ सही से। नहीं, इन्होंने नहीं उठाया दोस्तों। तो भाई नेस्टिंग मटेरियल उठा के दो, नेस्टिंग मटेरियल। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मैं पे नेस्टिंग मटेरियल, और अभी हम ये इतना सही है या ज़्यादा है? सही है दोस्तों, सही है। ये गया, ये चला गया फिंचेस की तरफ नेस्टिंग मटेरियल। ये अभी नहीं उठाएंगे क्योंकि जब मैंने डाला ना ये डरे हुए थे इसलिए। तो भाई अभी हमने अपने फिंचेस को नेस्टिंग मटेरियल डाल दिया है, और हमारे जो बड़े बड़े वो पहले तो रिंग है, हम इनको वेजिटेबल फ्रूट और भी बहुत सारी चीज़ें खिलाते हैं। आज मेरे को अमरूद है तो मैं आज अमरूद खिलाऊंगा। मैंने रो पैरेट को तो खिला लिया क्योंकि वो बहुत शोर कर रहा था, हमें वीडियो ही नहीं बनाने देता। और जब मैंने उसको दे दिया उसने खा लिया, थोड़ा उसने शोर कम कर दिया है। अभी हम अपने रिंग नेक को देते हैं। अलीशा रिंग नेक को दे दो, हमने एक रिंग नेक को दे दिया, दूसरे को भी दे दो। जा रहा है, क्या हुआ? नहीं जा रहा भाई, वो जो ऊपर वाला केज है ना उसने एंग्री बर्ड है, ख्याल से करना क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। ख्याल से आप इसको दे। यार दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एंग्री बर्ड कितना तंग कर रहे हैं। दो मैं दे दूं, आप एक केज खोलो, केज खोलो। ये देखें अभी ये खा रहे, कितने शौक से खाते हैं ये। जब ये हमारा रो पैरेट होता था ना तो वो भी इतने शौक से खाता था अमरूद। ये देखें ये भी खा रहे, सब गिर रही है खाने पे। आपको नीचे वाला भी खाते, वो अभी नहीं खा रहा क्योंकि वो डरा हुआ है, शोर हुआ था ना अभी इसलिए डरा हुआ। ये भी खा रहे, चाचू ने मुझे बोला था कि अपने जो लव बर्ड है उनको भी नेस्टिंग मटेरियल डाल देना क्योंकि वो बॉक्सेस में ही इतने दिनों से जा रहे हैं। और माशाल्लाह से हमारा लोटिनो अभी भी अंदर ही, और हमारा जो अल्बाइनो है उसकी फीमेल भी अंदर ही है। तो अभी हम थोड़ा थोड़ा डाल देते, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ लोटिनो को। ख्याल से करते उड़ ना जाए। ये देखें दोनों अंदर है हमारे, हम इसको कर देते बंद। तो भाई नेस्टिंग मटेरियल दो, ये हमारा है लोटिनो का, ये गया अंदर। और अब हमारा लव बर्ड, और अब हमारा अल्बाइनो। तो हमने अपने तीनों लव बर्ड को नेस्टिंग मटेरियल डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इधर भी डाल दिया, उधर भी डाल दिया, और ऊपर भी हमने डाल दिया है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि ये जो हमारे जो बच्ची थे इन्होंने दो बेबी दिए थे और एक और दिया था, वो बिल्कुल छोटा सा था। आपको ये भी याद होगा कि हमने ना इनकी सफाई भी की थी, इसमें बहुत कचरा था, और अभी हम देखेंगे कि कचरा है या नहीं क्योंकि उसमें एक बेबी है छोटा सा। आपको याद होगा अगर ज़्यादा कचरा हो गया उसमें वो दब के मर भी सकता है।
तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ और मैं भी देख लेता हूँ कि कितना कचरा है और आप भी देख लेंगे कितना कचरा है। हमें आज सफाई करनी चाहिए, कल अभी हम देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा कचरा है, मगर इतना भी कचरा नहीं है कि बच्चा दब जाए। कल ही हम परसों ना सफाई कर लेंगे इसकी, क्योंकि आज मेरा चाचू भी नहीं, मैं अकेला हूँ इसलिए। तो दोस्तों अभी हम आ गए अपने कॉकटेल बेबी की तरफ। आप देख सकते हैं हमने इनको केज के ऊपर बिठा दिया है और ये बड़े मजे से बैठे हुए। ये देखिए उड़ने की करते मगर उड़ नहीं पाते, क्योंकि जब ये उड़ते हैं तो किसी दीवार से टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, इसलिए हम ज्यादा इनको उड़ने भी नहीं देते। अब मैंने इनकी एक बात नोट की इतने दिनों से, ये अब थोड़े थोड़े बड़े हो गए ना, इनको हम एक सीलिंग सिर्फ इनकी फीट देते ना, इनका पेट भर जाता है और ये मांगते भी नहीं है। जब ये छोटे बेबी होया करते थे ना, ये इतना मांगते थे और कल या परसों से इंशाल्लाह हम इनको दाना भी देंगे। तो चलो अलीशा और हसन आप इनको उठाओ, काटेगा नहीं, आप आराम से उठाओ, बस आप उसको उठाओ। आ गया अलीशा के तो हाथ में आ गया, हसन के नहीं आ रहा। ये छोटा वाला है। हसन उठाओ, दिखाओ, मैं आपको उठा के दूँ। बड़ी मुश्किल से ये आते, हम इनको ये लो हसन, अब आएगा ये। अरे आ ही नहीं रहा, आओ हसन ये लो, अब आ गया। हमारे दोनों तोते अलीशा ने एक उठा लिए और हसन ने उठा लिए। ये कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने इसका मतलब कि ये ज़्यादा का ताज अपना ऊपर नहीं करता, ये बहुत करता है। ये देखें इसके अभी भी सही से ना पर नहीं है इसके, वो उसे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा है और मुझे लगता है और भी ये बड़ा होगा। और ये तो कमज़ोर है यार, मगर वो माशाल्लाह से हेल्दी है। इसके देखें इधर से पूंछ भी आ रही है, इसकी भी आ रही है, इसकी सही है मतलब। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, हमारे बड़े ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कर दे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।